पाठन क्लास 8 गणित वेस्ट बंगाल बोर्ड। इस चैनल में आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। इस वीडियो में हम प्रयोग करके देखें 1.2 का पेज नंबर 13 से सवाल नंबर 10। निम्न संख्याओं को दो वर्गों के अंतर के रूप में लिखें का हल करेंगे। 10 निम्न संख्याओं को दो वर्गों के अंतर के रूप में लिखो। निम्न संख्याओं को दो वर्गों के अंतर में के रूप में लिखो। दो वर्गों का अंतर का जो फॉर्मूला होता है पहले उसे लिख लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए होता है दो वर्गों का अंतर। इसका फॉर्मूला होता है एक बार जोड़ो एक बार घटाओ। इस फॉर्मूला की सहायता से बाकी सारे सवालों का हल करना है। तो पहला सवाल है उसे बनाते हैं। एक नंबर सवाल है 391 गुना 409। इसे पहले a प्लस बी और a माइनस बी में बदलना पड़ेगा, फिर इसका अंतर लिख देंगे वर्गों का अंतर। तो a प्लस बी a माइनस बी अंतर बनने के क्या करेंगे, एक बार इसमें 400 में से 9 घटा देंगे तो 391 आ जाएगा, और 400 में से 9 जोड़ देंगे 400 में तो 409 आ जाएगा। तो हमारे a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी मिल गया। तो इसको हम आसानी से लिख सकते हैं वर्गों का अंतर 400 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब सवाल नंबर 2 बनाते हैं। सवाल नंबर दो है 4x प्लस 3y 2x माइनस 3y। क्या लिख देते हैं, 4x प्लस 3y और 2x माइनस 3y। इससे भी हमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बदलना है, a प्लस b और a माइनस b में बदल कर इसमें बदलना। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम a और b को ढूंढना पड़ेगा। यहाँ 2 है यहाँ 4 है, अगर 4 को हम 3x प्लस एक्स लिखे 2 को क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस एक्स, ये मिल जाएगा इस तरह से, और प्लस 3y इधर है माइनस 3y। अब 3x ऊपर a बनाए क्या होगा, 3x प्लस एक्स प्लस 3y, 3x माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3y। इसको थर्ड ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसको भी थर्ड ब्रैकेट करके इसको x प्लस y को अलग कर देते हैं, एक मिनट कर देते हैं, साफ से लिख देते हैं 3x थर्ड ब्रैकेट में, इसको a बनाते हैं और x प्लस 3y को b, फिर 3x माइनस x प्लस 3y इसको b। तो a प्लस बी ए माइनस बी मिल गया, इसे हम लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर माइनस x प्लस 3y का स्क्वायर। तो हमारे दो वर्गों के अंतर के रूप में मिल गया। अब आते हैं तीसरा सवाल में। तीसरा सवाल है x, बोला है x को दो वर्गों के रूप में अंतर में, x को दो वर्गों के अंतर के रूप में लिखो। तो एक फॉर्मूला होता है ए और बी का, ए बी का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी बटा में दो का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बटा में दो का स्क्वायर। इस फॉर्मूला की सहायता से इसको बनाएंगे। अभी यहाँ एक्स दिया हुआ है, एक्स की जगह ए मान लेंगे और बी को हम बना देंगे 1, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स इंटू 1। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं फॉर्मूला के हिसाब से x प्लस 1 बटा में 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बटा में 2 का स्क्वायर। ये आपका तीसरा नंबर सवाल हो गया। इस पाठ का सारा सवालों का हल आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इस चैनल में आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम
प्रश्न संख्या 11 उत्पादक विश्लेषण करेंगे।